नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज 15 में हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आइए रुक करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे आज देहरादून में कांग्रेस का चुनाव प्रचार करेंगे शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में पार्टी का प्रचार अभियान में शुरुआत करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि खड़गे पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और हम आभारी हैं कि उन्होंने बदलाव के आह्वान के लिए उत्तराखंड को चुना। दिल्ली की कालका जी मंदिर परिसर में हुआ हादसा, जागरण का स्टेज गिरा। दिल्ली के कालका जी मंदिर परिसर में देर रात बड़ा हादसा हुआ। जागरण के दौरान स्टेज गिरने से भगदड़ मच गई। सिंगर बीपराग शो के लिए पहुंचे थे। रात 12:30 बजे के लगभग हादसा हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें चल रही हैं लेट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसी बीच कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें खास परेशानी उठानी पड़ रही है। बिहार में सियासी घमासान के बीच मांझी की पार्टी ने रखी ये मांग। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्याम सुंदर ने कहा कि हम जिस प्रकार की गरीबों की बात करते हैं और गरीबों के बीच में काम करते हैं, वैसी परिस्थिति में हमें लगता है कि हमारी पार्टी को कम से कम 2 मंत्री तो चाहिए। अगर पार्टी के पास मंत्री रहेंगे तो हम जनता को बेहतर सेवा दे सकेंगे। कार्यकर्ताओं की जो एक आकांक्षा है उसे पूर्ति होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 में पहली बार अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। आज मन की बात का 109वां एपिसोड प्रसारित होगा, जिसे ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर सीधे सुना जा सकता है। ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज 15। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।